साल 2019 में संजू लीला भंसाली ने सलमान खान के साथ मिलकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह को रिवील किया था। फिल्म में सलमान और आलिया के होने के बाद इस फिल्म के चर्चे जोरों शोरों से हर किसी की जुबान पर चल रहे थे, क्योंकि संजय और सलमान दोनों ही काफी टाइम बाद एक दूसरे के साथ काम करने के लिए साथ आए थे। लेकिन अफसोस, ये ख्याल सिर्फ ख्याल ही रह गया। साल 2019 में जहां फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, उसके थोड़े टाइम बाद ही सलमान ने फिल्म छोड़ने का ऐलान कर डाला। जी हाँ, सलमान ने खुद ही फिल्म से हाथ पीछे कर लिए थे, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो संजय ने फटाफट से अपने इस प्रोजेक्ट को बंद कर आलिया के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच अब खबरें आ रही हैं कि संजय लीला भंसाली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट वापस से ले आए हैं और उन्होंने इस पर काम करने का मन पूरी तरीके से बना लिया है। लेकिन इस बार उन्होंने अपना ये मन सलमान के साथ नहीं बल्कि किसी और एक्टर के साथ बनाया है। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन यहाँ बाजी मार ले गए हैं भाईजान की जगह। अब इस फिल्म में आप सभी को आलिया के साथ ऋतिक नजर आने वाले हैं। ऋतिक से पहले फिल्म में शाहरुख खान के होने की खबरें आ रही थी। यहाँ तक कि संजय की पहली पसंद तो ऋतिक और दीपिका थे, लेकिन उनके शेड्यूल और बदलती चीजों की वजह से उन्होंने इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। खबरों के मुताबिक संजय लीला भंसाली का मानना है कि अगर उन्होंने और ज्यादा टाइम लगाया तो उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। फिल्म की कहानी एक बड़े युवक और छोटी उम्र की लड़की के प्यार पर बेस्ड होने वाली है। तभी इस फिल्म के लिए संजय ने सलमान को अप्रोच किया था और उनके ऑपोजिट फिल्म में आलिया थी, लेकिन किन्ही वजहों के चलते सलमान ने फिल्म से बैक ऑफ कर लिया। वजह क्या है क्या नहीं, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जब सलमान ने 2019 में फिल्म को छोड़ा था तो मुंबई मिरर को दिए अपने एक इंटरव्यू में सलमान ने क्या कहा था, तो चलिए आपको बताते हैं। सलमान ने कहा था, इस फिल्म के साथ वो यानी कि संजय मेरे पास आए, मुझे ये पसंद आई और हमने फिर से काम करने का फैसला किया। मैं एक बात कह सकता हूँ कि संजय ने अपनी फिल्म के साथ गद्दारी नहीं की। मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म बनाए जो वो बनाना चाहते हैं। दोस्तों के रूप में हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है और मुझे यकीन है कि मेरे लिए संजय के दिल में कुछ भी नहीं बदला है। सलमान की बातों पर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि शायद फिल्म की कहानी को लेकर दोनों में सहमति नहीं हो पाई। हालांकि सलमान की बातों पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि शायद फिल्म की कहानी को लेकर दोनों में सहमति नहीं हो पाई। हालांकि सलमान की तरफ से इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अब जहां संजू लीला भंसाली ऑल सेट है फिल्म को फ्लोर पर लाने के लिए और मीडिया में उड़ रही खबरों की मानी जाए तो फिल्म के लिए ऋतिक और आलिया फाइनल हो चुके हैं, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म जल्द ही शुरू हो सकती है। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।